अध्यक्ष महोदय, कुशल विवेकी संचालक महोदय जी, और जो YouTube से चैनल के माध्यम से बना रहे हैं ब्यास जी, और सत्संग प्रेमियों, माता बहनाएं, सबके लिए मेरा करबद्ध नमन, और सबके लिए राम राम साहब। देखो, जो अभी प्रधान जी ने पूछा था कि ब्रह्मनिष्ठ और श्रुतनिष्ठ, श्रुत माने वेद, ऐसा गुरु होना चाहिए, तो वास्तव में इसका उत्तर तो हमारा राम देंगे कि देखो, ये ब्रह्मनिष्ठ होगा और वो वेद पढ़ा हुआ न हो तो वो शिष्य का शंका का समाधान नहीं कर सकता है, इसीलिए उसमें दोनों गुण होने चाहिए। विचार सागर में दिया है, भेद पंच की बुद्धि नसावे अद्वय अमल, मतलब जो पांच प्रकार का भेद है ना, भेद भ्रांति जो है, जीव ईश्वर का भेद, जीवन का भेद, जड़न का भेद, जड़ जीव का भेद, जड़ ईश का भेद, इस पांच प्रकार को के जो भेद हैं इसको मिटाने में समर्थ हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। भेद पंच की बुद्धि नसावे अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, और भव मिथ्या मृग तृषा समाना अनुरव एव भाकत नहीं आना, सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा छेदक शिकान लुंचित केसा, ऐसा न हो जो केस बढ़ाए और कान फाड़ दे, ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। अब आप विचार करें, कह दिया मुझसे कि आप 8-9 मिनट बोल सकते हो, चलो साहब आपकी बड़ी कृपा है पाठक जी की। अब विचार करना है, देखो हमें किसी स्थान पर जब पहुंचना होता है, हमें कहीं भी पहुंचना हो तो उसके लिए चार चीज़ आवश्यक होती हैं। क्या होता है? नंबर एक, हमें उस स्थान का पता हो, दूसरे उसकी दिशा का ज्ञान हो, हमें जाना है अलीगढ़ और हाथरस की तरफ चले तो अलीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी दिशा का ज्ञान हो। तीसरा होता है हमारे पास कोई साधन हो, और चौथा हमारी उत्कट जिज्ञासा हो, वहाँ पहुँचने की हमारी उत्कट जिज्ञासा हो। यदि उत्कट जिज्ञासा न होगी तो हमें सब पता हो कि अलीगढ़, हमें अलीगढ़ जाना है और दिशा इधर है, साधन हमारे पास है, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर है, परंतु भाई उत्कट जिज्ञासा ही नहीं है तो नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हम ये विचार करें कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम चाह क्या है, हमारी हमारा जो चरम लक्ष्य है, हमारे पहुंचने का स्थान क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारी चाह क्या है। हमारी चाह ये है कि सर्व दुखन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सबकी चाह आनंद प्राप्ति की है। सब प्रत्येक जीव, मानव ही नहीं, प्रत्येक जीव, पशु पक्षी त्रियक सब आनंद चाह रहे हैं, और उस आनंद की तलाश में ही पूरा जीवन भटकते रहता है, गृह स्त्री पुत्र आदि के में आनंद को टटोलते रहता है। अच्छा, अब आप हमें ये पता लग गया हमें कहाँ पहुँचना है, केवल आनंद चाहना है, हमें केवल ऐसा आनंद चाह रहे हैं हम कि जो हमारे पास आ जाए और आकर के फिर जाए नहीं, शाश्वत आनंद की तलाश में। लेसानंद, क्षण का आनंद तो प्राप्त होते हैं, और जो विषयों की बात चली थी, मेरे छोटे भाई ने भी कहा था कि विषयों में आनंद टटोल रहे हैं, तो आप विचार करें कि जो विषयों का आनंद है क्या वो शाश्वत है? ये घटमान है और क्षण के घटता भी है। अभी आप रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला में देखेंगे आप कि एक खाओगे, दो खाओगे और 10 खाओगे, फिर क्या होगा, रहने भैया क्या हुआ, वो आनंद घटने लगा। ये विषयों का आनंद है साधारण का है, मैंने और भी आनंद आप सब जानकार हैं, और भी जितने आनंद हैं, विषय आनंद हैं, सब कैसे हैं, घटमान और क्षणिक। और हम कैसा आनंद चाह रहे हैं? शाश्वत आनंद, जो हमारे पास आ जाए फिर जाए ना। तो भाई अब इस आनंद को आप देखें कि विषयों में आनंद हम यहाँ सब देख रहे हैं, तो कामनी, कंचन और कुर्सी, इसमें आनंद देख रहे हैं,
और सर्वोपरि तो अब क्या हो रहा है, कुर्सी। कुर्सी में देख रहे हैं कि अभी डीएम बन जाए तो डीएम बनते ही कंचन भी खूब आएगा और चाहेगा जितनी लड़की फेल कर दो, कामिनी भी सुंदर मिल जाएगी, तो कुर्सी में आनंद टटोल रहे। आप देखो क्या कुर्सी का आनंद शाश्वत है? विचार करें आप, ये सत्संग जो विचार का विषय होता है, विचार करें कि आज डीएम बन गए या सांसद विधायक मुख्यमंत्री इत्यादि पदाधिकारी बन के भी ये आनंद शाश्वत नहीं है, ये भी और घटमान भी है। विचार करके देखें कितना झंझट रहता है, ये उन्हीं से पूछें। और शाश्वत नहीं है, रिटायर कर दिए जाएंगे, और हम चाह रहे हैं शाश्वत आनंद। ऐसे ही धन में देख लो, क्या जो धनवान है क्या उनके पास वो शाश्वत आनंद है? नहीं है। आप उत्तर यही आएगा कि नहीं है, तो फिर भैया क्यों झंझट में पड़े हो? ऐसे ही कामिनी को देख ले, उसमें शाश्वत आनंद नहीं है। जब शाश्वत आनंद नहीं है तो गीता जी में क्या कहा है, ये ही सज प्रजा भोगा दुख यौन है एवते आदि अंत बनता कौंत्य नते सुरमते बुध। जो जानकार लोग होते हैं इस विषय आनंद में रमण नहीं करते, जो इंद्री और इंद्रियों के विषय इनके संयोग से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो है तो दुखरूप, पर हम पामर पुरुषों को वो सुखरूप प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है ना, तो उसका रक्त तो आ रहा है कहाँ से, और समझ रहा है कि इसे हड्डी में से निकल रहा है दो मिनट, तो ऐसा नहीं है। तो वो कहते विषय आनंद में आनंद, कामिनी कंचन पुरुषी विषय में आनंद नहीं। अब हमारे पास साधन, तो साधन तो है ही, साधन धाम मोक्ष, ये हमारे पास है। और भैया फिर ये सब होने के उपरांत भी हमें उत्कट जिज्ञासा करनी पड़ेगी। उत्कट जिज्ञासा करोगे तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति आप जरूर कर लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण।